राम राम। तो आप सभी लोग कैसे हो? मुझे आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही रहने चाहिए। तो भैया आज के ब्लॉग में आप लास्ट तक जरूर बन रहना और वीडियो को लाइक नहीं करी तो लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो भाई कल तो मैंने ब्लॉग नहीं डाला क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई और अभी मेरी तबीयत ख़राब हो ही रही है, तो मैंने सोचा आज तो ब्लॉग डाल दूँ। तो कई भाई लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि आपका चाचा कहाँ पर जॉब करता था और किसकी जॉब करता था, एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो वो भाई लोग ज़रूर लास्ट तक बने रहे वीडियो पर, तो पता लग जाएगा भाई आप सभी लोगों को कि उनका कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या जॉब करते थे। तो बताता हूँ शुरू से आपको। तो भाई वो मेरे चाचा लगते थे तो वो दिल्ली में जॉब करते थे, मतलब म्यूजियम रहते हैं, इनमें गार्डों की ड्यूटी लगाते थे कि इस गार्ड को यहाँ पर लगाना, इसको वहाँ पर लगाना, तो ऑफिस में बैठने का काम करते थे वो। तो भाई हमारे यहाँ पर परित बाबा और भूमि बाबा पे जब सोमनी थी तो ये भाई यहाँ पर आने के लिए जल्दी कर रहे थे, तो मतलब रेड लाइट हो रही थी इधर से भी। तो उन्होंने सोचा रेड लाइट हो रही है, अपन डायरेक्ट रोड क्रॉस कर ले, अंडरग्राउंड में से तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो तब वो रेड मतलब रोड क्रॉस कर रहे थे ना, तो इधर से एक बाइक वाला आया और उसने मतलब रेड बत्ती के सिग्नल को तोड़कर मेरे चाचा लगते थे उनमें टक्कर दे पाड़ी। तो वो उनको मतलब ज़्यादा चोट नहीं लगी, वैसे तो मतलब हल्की फुल्की छिला छिली हुई, बाकी अंदर इधर किडनी है ना इसके नीचे पित्त की थैली के पास में ही खून जम गया, मतलब रक्त का थक्का बन गया। तो भाई उनको पास के निजी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। फिर तो भाई वहाँ पे भर्ती कराने के बाद में यहाँ कवर कर दी पहले ही, तो यहाँ से भी चले गए उनके बेटे, उनका मतलब भाई और उनकी घरवाली भी चले गई, मतलब सभी लोग चले गए। और वहाँ पर गया तो मतलब ज़्यादा कुछ ऐसे नहीं था, नॉर्मल चल रहा था। तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई रक्त का थक्का ऐसे ही पिघल जाएगा, आजकल भाई तरह तरह की गोली दवाई चल रही है जिनसे पिघल जाएगा। फिर भाई 4-5 दिन तक लगातार ट्रीटमेंट चलता रहा पर उसका रक्त का थक्का पिघला नहीं। तो फिर डॉक्टर को आखिरकार ऑपरेशन का कदम उठाना पड़ा, तो उन्होंने भाई ऑपरेशन के लिए उसको ऑपरेशन थिएटर में दे दिया। और यहाँ पर भाई सभी लोग मतलब चिंता में हो गए कि अब क्या होगा, वैसे तो नॉर्मल ऑपरेशन ही था, ज़्यादा ऑपरेशन नहीं था। तो फिर भाई उनको ऑपरेशन थिएटर में देने के बाद में उनको भाई 2-3 घंटे में जब ऑपरेशन हुआ बाहर निकाल दिया गया, तो मतलब वो खूब सही थे, एकदम परफेक्ट खूब बोल रहे थे और कह रहे थे क्या हो गया मुझको, यहाँ पर क्यों लाए हो, मेरे क्या हो रहा है, कुछ उसको पता नहीं था कि मेरे क्या हो रहा है, मतलब खूब सही था वो भी। फिर भाई 2-3 दिन तक वो बिल्कुल सही रहा और फिर 2-3 दिन के बाद में उसके घबराहट होने लगी, बीपी बढ़ने लगी। तो भाई डॉक्टर की टीम आई, बाहर से भी आई टीम, वहाँ के भी डॉक्टर थे, तो उन्होंने फिर उसको चेकअप के लिए अंदर ले गए आईसीयू में। तो वहाँ पर चेकअप वेकअप किया, नॉर्मल था बिल्कुल। तो फिर मतलब थोड़ी देर बाद में ही वो छोड़कर चले गए। तो भाई ऐसे हुई थी मेरे चाचा जी ख़त्म। तो भाई उनका पूरा नाम था गिरिराज प्रसाद मीणा। तो उनके भाई एक लड़का है और 3-4 लड़कियां हैं। तो भाई आज के ब्लॉग में इतना ही बोलूँगा, तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। जब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और पिछली वीडियो को भी, जिन बंदों को पता नहीं क्या हो गया है तो वो पिछली वीडियो को जाकर ज़रूर देखें तो आपको पता लग जाएगा क्या हो गया। तो भाई मिलते हैं कल के ब्लॉग में, जब तक के लिए वेट करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। भाई सब लोगों को पता लग जाना चाहिए कि जिन भाई लोगों ने कमेंट किया है कि कैसे एक्सपायर हो गए आपके चाचा जी, तो मैं तो यही कहूँगा भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके घर परिवार वालों को पहले जैसे ही खुश रखे। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, जब तक के लिए राम राम जी।